प्यारी लग रही है, इनकी क्रिस्पीनेस चेक करें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माई सिंपल फ्लेवर्स कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता, जो कि आप वीकडेज या फिर आप वीकेंड्स पे भी बनाकर खा सकते हैं। आज की जो रेसिपी है हमारी, वो मेरे परदेसी भाइयों को डेडिकेटेड है, खास करके उनके लिए ये रेसिपी तैयार की गई है। तो ये देखें कितनी ही प्यारी लग रही है। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले मेरे पास इधर पुदीने के पत्ते हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से काट लूंगी। चॉप करना है इनको बारीक बारीक। ये आज मैंने अपने गार्डन से तोड़कर लाए हैं, फ्रेश मिंट लीव्स हैं मेरे पास। बिल्कुल बारीक बारीक इनको हम चॉप करेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई भी चंक ना रह जाए इनका। ये देखें कितनी ही खूबसूरती से ये चॉप हो गए हैं। तो अब यहाँ मेरे पास है धनिया, इसको भी चॉप कर लेंगे। ये भी मैं अपने गार्डन से ही तोड़ कर लाई हूँ, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलें जी, दोनों चीज़ें हो गई हैं बहुत अच्छे से चॉप बारीक बारीक। तो अब मैंने ले ली हैं यहाँ पर मोज़रेला स्टिक्स। ये मोज़रेला स्टिक्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई हैं, तो मैं उनको स्टोर कर लूँगी। तो मैंने इनको जिप लॉक बैग में डालकर अपने फ्रिज में रखा हुआ था। तो इन्हीं स्टिक्स को मैं अब श्रेड कर लूँगी। अगर आपके पास श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है ऑलरेडी, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस मेरे पास ये स्टोर हुई पड़ी थी, तो मैंने इन्हीं को इस्तेमाल कर लिया है। ये देखें, एक स्टिक है जो वो मैंने श्रेड कर ली है, और इस तरह से बारीक बारीक हुई है। अगर आपके पास मोटा श्रेडर है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लें जी, चीज़ हो गई है अच्छे से श्रेड। अब हम इसका अगला स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ है मेरे पास बटर, और ये अनसॉल्टेड बटर है। तो इसमें मैं तकरीबन 1/3 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बटर में नमक डाल लें। बटर है जो वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और जो मैंने धनिया काटा था वो भी इसमें शामिल कर दूंगी, और जो पुदीना भी बारीक बारीक चॉप किया था वो भी शामिल कर दूंगी, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनने वाला है। वीकडेज पे आप जॉब पर जाने से पहले आप इसको रेडी कर लें। अगर आप इसको रात को रेडी करके रख लेंगे, तो सुबह बस आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए रखेंगे तो पिघल जाएगा, और बहुत ही जल्दी एक ब्रेकफास्ट, हेल्थी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं वाइट ब्रेड। आप अगर होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बटर का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, वो इन सारे ब्रेड्स के ऊपर एक एक करके हम लगा देंगे। इस तरह से जेनरस अमाउंट ऑफ बटर लगाना है आपने, या आपको जितना पसंद है आप उतना लगा सकते हैं। एक साइड पर सारे ब्रेड्स के ऊपर मैंने बटर को लगा दिया है। अब यही साइड है जो हम पैन में रखेंगे नीचे की तरफ, और फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी पैन में रखकर बटर लगा लेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन, जिसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था मीडियम हीट पर। और अब मैं ये वाली साइड है जो वो नीचे की तरफ रखूँगी इस तरह से। चूंकि पैन ऑलरेडी प्री हीटेड है, तो हम आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब इन दोनों ब्रेड्स के ऊपर वाली साइड पर भी हम बटर वाला मिक्सचर है जो वो लगा देंगे। इस तरह से हमने बटर को बहुत ही अच्छे तरीके से फैला देना है। लें जी, ये ब्रेड्स दोनों हो गए हैं रेडी। तो अब मैं चूल्हे की आंच को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, और इन दोनों को अच्छी तरह से, जब तक कि बटर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इनको सेक लूंगी। बटर है जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, तो मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखें, दूसरी साइड से भी बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है, ये भी चेंज कर लिया है। नीचे वाली साइड को भी थोड़ी देर सेक लेंगे। अब दोनों ही साइड्स हैं जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेक लिया है, और जो चीज मैंने श्रेड की हुई थी अब हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे इस तरह से, इसके ऊपर भी शामिल कर देंगे। याद रहे कि चूल्हे की आंच है जो वो आपने लो पर रखनी है इस स्टेज पर, ताकि नीचे वाली साइड है जो वो जल ना
आ जाए। तो यहाँ पर मैंने अंडा ले लिया है और इस अंडे को मैं ब्रेड के ऊपर डाल दूंगी और दूसरा भी दूसरे ब्रेड के ऊपर लगा दूंगी। और अब मैं इनको ढक दूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो आंच पर हम इनको पकाएंगे। आपने याद रखना है कि इनका दम इस दौरान बिल्कुल भी नहीं उठाना, क्योंकि जो चीज़ और अंडा है वो हमने जो स्टीम इसमें इकट्ठी होगी उससे कुक करना है। जी, तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं इसको ढककर पकाते हुए, तो आप चेक कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह अंडे भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अगर आप चाहें तो जर्दी को नरम भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ी सख्त रखी है। अगर आपको नरम पसंद है तो नरम ही रहने दें, अगर सख्त थोड़ी सी पसंद है तो सख्त ही कर लें। अगर सख्त रखनी है तो आपको 6 मिनट से ज्यादा इनको पकाना पड़ेगा, अगर नरम रखनी है तो आप 6 मिनट तक के लिए इसको पका सकते हैं। अब ये दोनों टोस्ट हमारे रेडी हैं, हम अब इनको निकाल लेंगे। क्रिस्पी कितने लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। और अब हम दूसरे भी बना लेंगे। इनको मैं सादा बना रही हूँ, इनके ऊपर अंडा नहीं लगाऊंगी। इन दोनों पर भी बटर लगा देंगे, बटर है जो वो अच्छी तरह से फैला लेना है। और अब मैं इन दोनों पर चीज भी शामिल कर दूंगी। आंच को चीज डालते हुए बहुत ही हल्का रखना है ताकि नीचे वाली साइड है जो वो जल ना जाए। ये बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट, बहुत ही जल्दी बनने वाला, आप वीक डेज पे या फिर वीकेंड पे आप बनाकर खा सकते हैं। अब इनको भी मैं ढक दूंगी और पका लेंगे। चलें जी, अब इनको भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब हम इनको भी निकाल लेंगे। बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको आपको पलट के भी दिखा देती हूँ पीछे से किस तरह के बने हैं। देखें इनकी क्रिस्पीनेस चेक करें आप, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो अब मैं इनको दरमियान में से काट लूँगी। ये भी देख लें कि पीछे से किस तरह के बने हैं, बहुत ही अच्छे टोस्ट हुए हैं। ये सामने वाली साइड है और ये पीछे वाली साइड है, आपको इसकी भी क्रिस्पीनेस है जो वो चेक करवा देती हूँ। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही प्यारे और मज़ेदार लग रहे हैं। और अब ये जो अंडे वाला ब्रेड है हमारा, हम इसके ऊपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है काली मिर्च तो मैं शामिल कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मजीद सिंपल फ्लेवर्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।